हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया वसीम शबाना ब्लॉग में। और मैं कैसे दिख रही हूँ पता नहीं, कि आंखें बड़ी चुभ रही है, बहुत मतलब दुख हो रही है ऐसी। आतिफ अंदर मत आओ, अरे पानी भरने दो। देखो देखो कैसे अंदर आ जाता है, देख ये देखो। ये देखो मुझे पानी भरने नहीं देता है, मुझे काम भी नहीं करने देता है, कुछ नहीं करने देता है, गंदा बच्चा। हाँ तू नहीं 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 पानी भर रही हूँ, अभी पानी भर रही हूँ ना, बाद में आना, बाद में चलो 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 बाद में। तो फाइनली पानी वानी भर कर हो गया है, बैठी हूँ बस। थोड़ा सा अभी गई थी, थोड़ा सा बाजार लेकर आई। अभी आज मैं कुछ रेसिपी देने वाली हूँ, कुछ अच्छी और कुछ यूनिक रेसिपी है, मतलब नई रेसिपी है मेरे हिसाब से। तो मतलब तो मैं कैसे बनाऊंगी वो मैं दिखाऊंगी अभी आप लोग को थोड़ी देर में। चमुचा छा रहे हाँ, कौन लाया बेटा? मम्मा लाई बोलने का बेटा। और आतिफ देखो, आतिफ की फेवरेट घाटिया। आतिफ हसनैन क्या खा रहे हो? पानी पूरी नहीं है वो मम्मा, बेफल है वो, बेफल। आतिफ आतिफ इधर देखो, ये मेरे आतिफ की फेवरेट घाटिया। अच्छा लग रहा है, खा लो। अच्छा है हसनैन? कैसा लगा? अच्छा लगा। और आतिफ तुमको? आतिफ अच्छा लगा? खा के दिखा दो कैसा खाते हैं। खाओ खाओ जल्दी फटाफट खाओ, नम नम खा लो, खा लो बेटू। देखो कटोरे में से लेता है, हाँ लिया। अभी इसको देखो अभी क्या करता है। आतिफ खा लो बेटा, नम 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 खा लो, खा लो नम 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 खा लो। गिराना नहीं, गिराना नहीं, बिस्तर पे नहीं गिराना बेटा, गिराना नहीं। खाओ खा लो, खा लो बेटा, खा लो खा लो। कहाँ देख रहा है, क्यों नहीं खा रहा बेटा? कैमरा चालू करी इसीलिए। अच्छा बच्चा है मेरा, बाय। कैमरे में खाऊंगा ही नहीं बोले, मेरा दांत दिख गया तो? एक तो मेरे दांत नहीं है, ऊपर से मम्मी मेरी घाटिया ला कर दी है। ओ खाली है, खाली है, खाली है, नम नम खाली है। खा लो खा लो खा लो मेरे अच्छे बच्चे। हसनैन तो आज क्या बनाओ? चिकन? आज तो मैं चिकन नहीं बनाऊंगी। क्या बनाऊ चिकन का छोड़ के? दाल चावल बना दू? चिकन बना दू? अच्छा सुनो ना, खिचड़ी बना देती हूँ, जाने दो। दाल चावल नहीं, खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी खाओगे? नहीं सुनो ना, खिचड़ी बनाओ। अच्छा अंडा बना दू? अंडा हाँ। अंडा खाओगे? हाँ। आतू अंडा बना दू? अंडा खाना है, नम नम खाना है, नम नम। ठीक है चलो। मैं दो दिन से व्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ यार, पता नहीं क्या हो जा रहा है, दिन में टाइम ही नहीं मिल रहा है यार। परसों के दिन भी इतना काम था, टाइम नहीं कवर कर पाई, व्लॉग हम लोग नहीं डाले। हमने सोचा कि चलो ठीक है कोई नहीं, कल डाल देंगे। कल दिन भर व्लॉग बनाने के बाद में भी ऐसा हो गया कि व्लॉग नहीं डाल पाए। क्या बोलूं, कोई नहीं, आज बनाऊंगी कुछ अच्छी रेसिपी, मस्त टेस्टी वाली।
लोग सोच रहे होंगे ब्लॉग क्यों नहीं डाल रही है, क्या हो गया, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं है, कोई ना टेंशन है, ना कोई बीमार है, ना कोई सीमार है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। पर क्या हो गया, परसों के दिन टाइम नहीं कवर कर पाई और काम भी बहुत था, कुछ दिखा भी नहीं पाई, तो मैं बोली कि आज तो नहीं बना ब्लॉग बना पाई, काम बहुत ज़्यादा था। दूसरे दिन ब्लॉग बना भी तो 10 बज गया, मैं बोली अभी 10 बज गया है, थोड़ा देर तुम बच्चे को देख लो और मैं खाना बना लेती हूँ, उसी चक्कर में टाइम ज़्यादा भी हो गया और मेरी घड़ी भी ख़राब हो गई थी, तो पता ही नहीं चला कि टाइम कब निकल गया, तो बोले कि अभी ब्लॉग का टाइम भी निकल गया, काम करते कल डाल देंगे, तो आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। माय आटू, माय बेटू, माय दिकरू, मेरा दिकरा, माय दिकरा बहुत परेशान करता है, मेरा दिकरा ये सच्ची बहुत ज़्यादा वाला परेशान करता है, क्योंकि अभी ये बड़ा है, बड़ा जो करता है छोटा वही देखता है, वही करने जाता है, और इसको जो वो चीज़ नहीं मिलती है तो ये बहुत जोर जोर की रोता है, मेरा दिकरा। तो चलो मिलते हैं रेसिपी के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे का सालन, बहुत अलग स्टाइल में और एकदम कम मसालों में एकदम टेस्टी। तो मैं बताती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपना 5 अंडा ली हूँ, उसके जरिए अभी बॉईल करने के लिए आप लोगों को दिखाती हूँ। जब भी अंडा उबालो ना तो जरूर थोड़ा सा नमक डालो, इससे अच्छा रहता है कि ना अंडा फूटता नहीं है। बस तो ये मेरा मसाला तैयार हो गया है। मैंने थोड़ा सा हरा धनिया लिया, थोड़ा सा लहसुन, 5-6 हरी मिर्ची, थोड़ा सा अदरक, 1 कांदा, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च। तड़के के लिए मैंने ली हूँ 1 बड़ा कांदा, 2-3 टुकड़ा दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता। मैंने लिया आधा चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, नमक अपने पसंद स्वादानुसार। तो अभी तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, आप लोगों ने मेरा मसाला तो देख लिया है, तो चलो चलते हैं फटाफट बनाने के लिए, आ जाइए। तो मेरा गरम मसाला लाल हो रहा है, अब मैं डालने वाली हूँ अपना कांदा। तो कांदा ब्राउन हो गया है, अब अपना जाएगा अपना पिसा हुआ मसाला। और इसी के साथ जाएगा हमारा ये पूरा पाउडर वाला मसाला, से मिक्स कर लेना है इसे। तो अंडों को मैंने इस तरह से कट कर ली हूँ, आपको अक्खा रखना तो आप अक्खा भी रख सकते हो, फ्राई करके डालना तो फ्राई करके भी डाल सकते हो, मैं ऐसे ही बॉईल करके और ऐसे कट करके डालने वाली हूँ कुछ अलग। तो देख सकते हो कि मेरा मसाला खूब अच्छे से पक गया है, मस्त। इसको थोड़ा अभी 10-15 मिनट और पकाऊंगी। तो मेरा मसाला अच्छे से पक गया, मैं ऐड करने जा रही हूँ अपना ये अंडा, तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अंडा हमारा मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया है, इसको बस ज़्यादा नहीं पकाना है, 5 मिनट पकाकर इसको कोथमीर डाल के बंद कर देना है, तो हमारा सालन तैयार हो जाएगा। तो मेरा अंडे का सालन पककर तैयार हो गया और हसनैन के अब्बा ने बहुत अच्छा नाम दिए है, अंडा भूना, तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुन के, तो मैं भी नाम रख देती हूँ इसका अंडा भूना। तो मेरा तैयार हो गया है, कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, और मेरी अंडा भुना रेसिपी कैसी लगी तो ज़रूर ट्राई करना, ज़रूर बताना। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, घंटा बटन दबाना मत भूलना, और ऐसी प्यार सपोर्ट बनाए रखो। अल्लाह हाफिज़।